हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं मेरे वीडियो के परिंदे, मैं उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत होंगे। CS101 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग मॉड्यूल 80 नेटवर्क एंड इंटरनेट एंड प्रोटोकॉल। आप आईपी प्रोटोकॉल आप पहले भी पढ़ चुके हैं, आपके जो बकिया लेक्चर्स थे उनमें आपने प्रोटोकॉल को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा तो मेरे ख्याल से आपको पीछे से स्टेप बाय स्टेप स्टडी करनी चाहिए, और आपको मैंने ये बकायदा तौर पे पढ़ाया है पहले। ठीक है, हमारे पास OS जो है ऑपरेटिंग सिस्टम आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। यहाँ पे हमारे पास OSI, इसका एब्रीवेशन सम टाइम पेपर में आ जाता है। हमारे पास जो प्रोटोकॉल होता है इसको यहाँ पे इसको मैं हाईलाइट नहीं कर सकता, यही वजह है कि ये हाईलाइटेड नहीं है। आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगी समझने में और मुझे समझाने में, क्योंकि आपकी जो बुक है जिन्होंने क्रिएट की है वर्चुअल यूनिवर्सिटी में, उसने कुछ इसको इस अंदाज से क्रिएट किया कि इसको इसका टेक्स्ट सेलेक्ट नहीं हो सकता। ठीक है, अगर टेक्स्ट सेलेक्ट नहीं हो सकता तो जिसकी वजह से ये कोई भी चीज़ हम हाईलाइट नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये टेक्स्ट सेलेक्ट हो सकता है, इसको मैं हाईलाइट कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे कि ये यहाँ पे इसको हम हाईलाइट कर सकते हैं, लेकिन ये वाला टेक्स्ट सेलेक्ट नहीं होता, ये पूरा बॉक्स सेलेक्ट हो जाता है जिसकी वजह से सारा खराब हो जाता है। तो बात करते हैं, हमारे पास जो प्रोटोकॉल होता है इसको यहाँ पे ये लाइन को यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 7 जो स्टैंडर्ड सिस्टम होता है उस पे ऑर्गेनाइज करते हुए इसकी 4 जो है लेवल बना दिए, लेयर्स बना दिए, 4 इसकी लेयर बना दिए। बेहतरीन आपका ये स्टेप रहेगा, आप इसको पूरी थ्योरी को यहाँ पे याद करने की बजाय बेहतरीन ये ऑप्शन होते हैं कि आप इसको इतने से प्रोसेस को आप अगर गूगल कर लें तो आपको बहुत अच्छे अंदाज से ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगर आप गूगल करें तो आपको यहाँ पे स्टडी करने के बजाय वहाँ पे कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर एक बार इसको रीड करें। तो यहाँ पे इसके उन्होंने 4 लेवल बताया है कि हमने इसके 4 लेवल पॉइंट जो है बना दिए हैं। ठीक है, उसमें आपको पहले भी मैंने पिछले लेक्चर में भी ये चीज़ पढ़ा दी है, और ये चीज़ें हल्की फुल्की क्विज़ के हवाले से ही आता है। ठीक है, ये चैप्टर जो है आपके ये क्विज़ के हवाले से इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे वो कहता है कि TCP प्रोटोकॉल जो है वो कलेक्शन है प्रोटोकॉल की, यानी कि बहुत ज़्यादा जो प्रोटोकॉल्स लिटिल सम स्मॉल प्रोटोकॉल का कलेक्शन करते हैं। तो फिर यहाँ पे उन्होंने बताया कि हमने TCP IP प्रोटोकॉल है जिसकी हमारे कम्युनिकेशन के 4 लेवल्स हैं हायरार्की। ठीक है, इसका आपको पता होना चाहिए। इसके अंदर हमारे पास ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है। ये जो चीज़ें आप पीछे पढ़ चुके हैं उनको उन्होंने आगे थोड़ा सा क्विज के तौर पर आपको दे दिया है, बस इसको क्विज समझें। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल TCP के नाम से है, और जो हमारे पास इंटरनेट प्रोटोकॉल आप पहले पढ़ चुके हैं इसको IP के नाम से जाहिर किया जाता है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें जो है आपको पता होनी चाहिए। आर द नेम ऑफ द ओनली 2 प्रोटोकॉल्स जो कि हमारे पास एक सी लेवल तक हमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये जो TCP और IP प्रोटोकॉल आप पीछे इसको तफसील से पढ़ चुके हैं, लेकिन बेहतरीन है इसको यहाँ पे हाईलाइट नहीं किया जा सकता, इसको आप गूगल कर लें और आपको दोनों चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगर आप चाहें इसका जो मजीद बेहतरीन तरीका, तो अगर हम इसको गूगल कर लें तो आपको इसकी दोनों की डेफिनेशन आपने गूगल पे सर्च करना है इंटरनेट प्रोटोकॉल, और उसकी पूरी जो है तफसील देख लेनी है, और ताकि ये शॉर्ट रह जाए। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट क्विज के हवाले से है और ये इंफॉर्मेशन के हवाले से भी है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है यूज डाटाग्राम प्रोटोकॉल UDP। ठीक है, यूज डाटाग्राम प्रोटोकॉल UDP, ये भी आपका क्विज आ सकता है, और इसके आगे उसने फर्दर लेयर बना के आपको समझाने की कोशिश की। एप्लीकेशन लेयर, यहाँ पे TCP और UDP जो हमें दोनों प्रोटोकॉल की जो लेयर्स हैं उसको अलग अलग से करते हैं। ये मोर रिलायबल होता है बट लेस एफिशिएंट होता है। TCP जो है मोर रिलायबल और जो है हमारे पास लेस एफिशिएंट है, और यहाँ पे हमारे पास मोर एफिशिएंट है बट लेस रिलायबल है। ये दोनों का डिफरेंस सम टाइम शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लेता है। उसके बाद यहाँ पे कहता है कि सेवरल, इसको हाईलाइट कर पाता तो बहुत अच्छा रहता। यहाँ पे सेवरल वो कहता है कि हमारे पास डिफरेंस हैं इनके दरमियान, लेकिन उन्होंने सिर्फ 2 डिफरेंस यहाँ पे मेजर जो है बता दिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे उसने ये उनके डिफरेंस को मजीद वो ट्रांसपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे वो बात करता है कि सेंडिंग मैसेज एज द रिक्वेस्ट बाय द एप्लीकेशन लेयर ट्रांसपोर्ट लेयर बेस्ड ऑन द TCP सेंडिंग द ऑन मैसेज टू द ट्रांसपोर्ट, यानी कि जब हम कोई मैसेज सेंड करते हैं तो वो TCP पे वो कहता है कि वो बेस करता है, और जो जिस मतलब रास्ते से गुजरता है उसका जो प्रोटोकॉल है IP प्रोटोकॉल, उस वो रास्ता है उसकी गुजरने की जो मतलब के सीक्वेंस ऑफ द वे है वो IP पे डिपेंड करता है। आपने गहराई में नहीं जाना, आपने सिर्फ ये हल्का फुल्का रीड करना और इसकी आपने क्विज वगैरह अच्छे से देख लेना। ठीक है, और इसको अच्छे से रीड कर लेना। उसके बाद यहाँ पे इसी को यहाँ पे एक अनदर डिस्टिंक्शन बिटवीन द TCP एंड UDP इज दैट TCP प्रोवाइड फॉर बोथ फ्लो कंट्रोल। जो हमारे पास
यहाँ पे एक और डिफरेंस है, ये सारे डिफरेंस है, आपने अच्छे से इसको तैयार करना है। यहाँ पे वो बात करता है कि हमारे पास ये जो फ्लो कंट्रोल है वो टीसीपी प्रोवाइड करता है, यानी कि जब भी मैंने आपको बताया कि वो उस रास्ते से फ्लो करता है, तो ये बेहतरीन फ्लो जो है वो टीसीपी प्रोटोकॉल में दिया जाता है। उसके बाद ये रिड्यूस कर देता है रेट एट विच द ट्रांसमिशन सेगमेंट, इसको रिड्यूस कर देता है। उसके बाद ये बहुत ही खूबसूरत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर मैं इनको हाईलाइट करके इनका टेक्स्ट एडिट कर पाता तो मैं बहुत अच्छे से आपको कर देता। उसके बाद वो बात करता है कि उसके बाद यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे एक पॉइंट इम्पोर्टेंट, यहाँ पे कंजेशन कंट्रोल मीनिंग द टीसीपी प्रोटोकॉल जो है वो मैसेज को ओरिजिन से पहले वर्किंग करने से पहले एडजस्ट करता है उसकी ट्रांसमिशन को, फिर उसको जो है अलाइवेट करता है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ये सारे इम्पोर्टेंट है, इसको आप देखिएगा, इसमें बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं, ये इतना सा पोर्शन हम सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास फॉरवर्डिंग मैसेज है, यहाँ पे वो कहता है कि आईपी इंटरनेट स्टैंडर्ड जो इम्प्लीमेंट करता है टास्किंग नेटवर्किंग, और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे इंटरनेट एंड इन्वॉल्व द, ये जो लेयर्स हैं ये इन्वॉल्व होती हैं हमारे पास पैकेट्स, पैकेट्स छोटे छोटे वो होते हैं जिनमें डाटा ट्रांसफर करते हैं हमारे पास, वो छोटी सी मकदार, आपने बिट्स और बाइट्स तो पढ़ा है, लेकिन बिट्स और बाइट्स को डिवाइड करके उनके भी छोटे छोटे हिस्से कर दिए जाते हैं जिनको पैकेट्स कहते हैं। वो कहता है कि हमारा जो फॉरवर्डिंग सिस्टम होता है वो इन्वॉल्व होता है, वो पैकेट्स की सूरत में होता है ना। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे ये कहूँ कि हमारे पास ये एक फर्ज करें बिट है, तो इसको मजीद उसने छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड कर दिया, इतने इतने हिस्से में पैकेट्स में डिवाइड कर दिया। अब ये डाटा जो है ट्रांसफर करना आसान होता है। वो बात करता है कि जो हमारा इंटरनेट प्रोटोकॉल है आईपी, ये इसमें पैकेट्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, और जो राउटिंग करता है लेयर्स को, जिसमें हमें आसानी से डाटा को राउट करना होता है, यानी कि पैकेट्स की सूरत में इसको सिर्फ रीड करना है, आपने इसकी गहराई नहीं है, क्योंकि टाइम बहुत कम है आप लोगों के पास, इसलिए इन शॉर्ट 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 कर रहे हैं, ठीक है, इन चीजों को देख लीजिएगा। बस इसमें यही चीज आपने देखनी है कि टीसीपी और इनके दरमियान थोड़ा सा डिफरेंस है, इनके एब्रीवेशन देखने, और बाकी चीजें आपने स्किप कर देनी है। उसके बाद हमारे पास मॉड्यूल नंबर 81 है, हमारे पास इसके अंदर सिक्योरिटी के जो अटैक्स हैं, आप अटैक्स पहले भी पढ़ चुके हैं कि सिक्योरिटी के ऊपर जब अटैक होते हैं क्या अटैक्स होते हैं, वो क्या प्रोसेस होते हैं, ठीक है, उसको आपने पीछे पहले पढ़ा भी है। आपने स्टडी को सर पे सवार कर लेना होता है कि पता नहीं क्या प्रॉब्लम्स हैं, इतनी ज्यादा स्टडी, बेसिकली वही चीजें वो घुमा घुमा के आपको दे रहा है और आप जो है उसको लेके परेशान है। देखें आपको सिक्योरिटी के अटैक समझते ही फौरी तौर पे कहीं पे क्वेश्चन आ जाए, आपने पीछे पढ़ा या आप आगे पढ़ा है, आपने अपने तरफ से क्वेश्चन का आंसर बना लेना बस। अब वो जो अटैक्स हैं उनकी बात कर रहा है कि अटैक्स कई तरह के होते हैं। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट अटैक्स की जो बात है कि हमारे पास सम टाइम आपके कंप्यूटर के अंदर वायरस आ जाता है, जैसे कि कोरोना वायरस आ गया था इंसानों के अंदर, ओमिक्रोन एटसेट्रा, कई तरह का वायरस आता है कंप्यूटर के अंदर, भी बीमारी भी आती है, ठीक है, जिसको हम वायरस कहते हैं अटैक्स। उसके अंदर हमारे पास यहाँ पे वो बात करता है कि जो सॉफ्टवेयर के अंदर मैलिशियस जो है सॉफ्टवेयर की टाइप्स है, मैलिशियस सॉफ्टवेयर की टाइप्स के अंदर हमारे पास एक वायरस होता है, एक वर्म्स होते हैं, एक ट्रोजन, और सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद स्पाईवेयर्स हैं। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं, और ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे हमारे पास सम टाइम वो हमें क्विज भी दे देता है, तो इसको यहाँ पे समझिएगा। बेसिकली अगर मैं चाहता था अगर इनको मैं हाईलाइट कर सकता तो मैं बता देता, लेकिन मैं पहले आपको बता दूं, यहाँ पे हमने एक वायरस पढ़ना है, हमने मैलवेयर पढ़ना है, ये भी वायरस की ही एक मतलब, उसके बाद हमने वॉर्म्स पढ़ने हैं, टॉर्जन हॉर्स पढ़ने, आपने इन सबको अच्छे से कर लेना, ठीक है। उसके बाद मैं अभी करवाता हूँ, पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये क्या, हमने स्पाईवेयर स्निफिंग इसके अंदर सम टाइम, इसको हम स्निफिंग भी कहते हैं स्पाईवेयर्स को, और उसके बाद हम इसको नेक्स्ट हम यही मॉड्यूल जो है वो कवर करते हैं। अब बात को समझिएगा कि इसकी हमारे पास टाइप्स कितनी है, एक हमारे पास वायरस है, वॉर्म्स हैं, उसके बाद तो टॉर्जन जो है और स्पाइवेयर्स है। सबसे पहले बात करते हैं वायरस की, वायरस इज अ सॉफ्टवेयर। अब ये वायरस सॉफ्टवेयर क्या आता है, मिसाल के तौर पे जब हम किसी भी शख्स को हैक करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे जो हैकर हैं वो किसी भी शख्स को कैसे हैक करते हैं, हमें हमेशा किसी भी शख्स के कंप्यूटर में इंटर होना पड़ता है। इंटर होने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें एक वायरस सेंड करना पड़ता है। वायरस एक ना प्रोग्रामिंग, एक तरह का ना प्रोग्राम होता है, एक सॉफ्टवेयर ही होता है ये भी, ठीक है, ये कोई आप ये नहीं कह सकते कोई गैस या कोई ऐसी चीज नहीं, बेसिकली ये भी प्रोग्रामिंग कोडिंग ही होती है, जैसे आपने HTML को देखा। तो मिसाल के तौर पे अगर आपका आप एक लड़की हैं, आपको कलेक्शन ऑफ द आपके जो ड्रेसेस की कलेक्शन बहुत ज्यादा पसंद है, तो मैं क्या करूंगा, आपके कंप्यूटर के नोटिफिकेशन में एक आपको नोटिफिकेशन सेंड करूंगा, नोटिफिकेशन बार में आप देखेंगे कितने खूबसूरत ड्रेसिंग है,
आप उस पर क्लिक करेंगे, वाओ ब्यूटी, इतनी देर में जब आपने क्लिक किया, मैं आपके कंप्यूटर में, मेरा जो वायरस आपके कंप्यूटर में हो वो इंटर हो जाएगा। अगर कोई लड़का है उसको क्रिकेट पसंद है, कुछ भी आपको फेवरेट सॉन्ग पसंद है, समटाइम हम उस पर क्लिक करते हैं, अक्सर आपको कोई ना कोई नोटिफिकेशन मिलता है या कोई लिंक मिलता है। अक्सर लोग क्या करते हैं, आजकल जो आपका व्हाट्सएप है उस पर आपको ग्रुप का लिंक सेंड किया, आप भाग के क्लिक करते हैं और उसमें इंटर हो जाता है। सम टाइम पीपल्स ऐसे आपके कंप्यूटर में इंटर हो जाता है। तो ये एक बेसिकली सॉफ्टवेयर होता है, इसको सिर्फ हमने खुद ही अपने कंप्यूटर में इंटर करना होता है, लेकिन हमें पता नहीं चलता। तो ये वायरसेस है, एक सॉफ्टवेयर है कंप्यूटर का, ये कहता है कि इंसर्टिंग इटसेल्फ इनटू प्रोग्राम, यानी कि ये खुद कंप्यूटर को इंसर्ट करता है प्रोग्राम के अंदर, ऑलरेडी रिसाइड इन द मशीन, जो कि ऑलरेडी मशीन के अंदर चल रहा होता है। ठीक है, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट बात है कि जब होस्ट एग्जीक्यूट होता है, यानी कि जो प्रोग्राम है, यानी कि जो जो होस्टिंग हो रही है वो एग्जीक्यूट होती है, साथ में ये भी वायरस भी एग्जीक्यूट हो जाता है और अपना काम दिखा देता है। ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे हमारे पास देखिएगा, देर आर मैनी न्यूमेरस वेज हैं, जो वो कहता है कि जिसकी वजह से हमारे कंप्यूटर के अंदर अटैक्स हो जाते हैं, उनकी बात कर रहा है, वाया नेटवर्क। अब ये होते कैसे, ये नेटवर्क के थ्रू होते हैं, जैसे कि अभी कोई इंटरनेट है आपके, नेटवर्क के प्रोटोकॉल के थ्रू इसने आपके कंप्यूटर में अटैक करना होता है। तो ये वाया नेटवर्क कनेक्शन के थ्रू, यानी कि अगर आपका इंटरनेट ऑफ है तो आपको वायरस नहीं हो सकता। हाँ, अगर आपका इंटरनेट ऑफ है तो आप किसी के साथ ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट करते हैं, या आप किसी के साथ हॉटस्पॉट कनेक्शन करते हैं, होना इसने नेटवर्क कनेक्शन के थ्रू है। अगर आपका मोबाइल किसी के साथ कनेक्ट नहीं हो सकता तो इसका मतलब है वो कभी भी वायरस नहीं हो सकता है। आप यूएसबी लगाते हैं कंप्यूटर के साथ, उसके थ्रू वो, यानी कि जब भी आपने कनेक्ट किया काम तब होता है। अकेली पड़ी चीज कभी भी जो है, इसके अंदर बहुत ज्यादा इन चीजें शामिल हैं सॉफ्टवेयर, कलेक्टिवी कार्ड, मैलवेयर इनको कहते हैं। और इसको यहाँ पे देखिएगा, इसकी यहाँ पे एग्जाम्पल है, सॉफ्टवेयर द ट्रांसफर टू द एग्जीक्यूटर ऑन द कंप्यूटर अंडर द अटैक इंक्लूडिंग द वायरस। इसके अंदर वायरस और वर्म्स, ट्रोजन हॉर्सेस, स्पाइवेयर्स और एटसेट्रा, इनको मुख्तलिफ नामों से, इनकी मुख्तलिफ खसूसियात की बिना पे इनके मुख्तलिफ नाम है, यानी कि हर एक का अपना तरीकाकार है, इसलिए इनके कुछ नाम रखे। अगर वो आपसे पूछता है इनके डिफरेंट टाइप्स कौन सी, तो आप ये बता सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये वाला पोर्शन देखिएगा, यहाँ पे अगर मैं बेहतर समझूं इसको तो हम इसको उसके जरिए करने की कोशिश करते हैं, जो हमारे पास पीपीटी स्लाइड है उससे आप बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। पीपीटी स्लाइड को टच करता हूँ मैं हल्का सा। यहाँ पे टोरजन हाउस जो है प्रोग्राम दैट इंटर द कंप्यूटर, ये कंप्यूटर के अंदर इंटर हो जाता है, डिजायर प्रोग्राम को इफेक्ट कर देता है, जैसे कि गेम, यूजफुल यूटिलिटी पैकेजेस। उसके बाद हमारे पास टोरजन हाउस एडिशनल एक्टिविटीज परफॉर्म करता है, ये काफी हार्मफुल होता है, इसके इफेक्ट होते हैं। और उसके बाद जैसे कि गेमिंग्स, आपकी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, जैसे कि कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया जाता है, वो जब रनिंग करता है उसके अंदर कोई चीज आ जाती है, जो ये टॉर्जन हॉर्स इफेक्ट ये इन क्रिएट करता है। उसके बाद हमारे पास जो वाम्स है, ये ऑटोनोमस प्रोग्राम है, जो कि ट्रांसफर करता है खुद नेटवर्क के जरिए, मतलब जब भी आप किसी के साथ नेटवर्क को कनेक्ट करते हैं, तो ये एक कॉपी की लेयर बना लेता है। ठीक है, कॉपी की लेयर बना लेने के बाद ये दूसरे कंप्यूटर में सेंड कर देता है, और इस केस में केस ऑफ द वायरस। ठीक है, जैसे कि हमारे पास वॉर्म्स भी बन जाते हैं, आपने बायो में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, इसी तरह ये भी वॉर्म्स की सोच में ये अटैक करता है। और इसको यहाँ पे देखिएगा, हल्के हल्के बेहतरीन है, यहाँ पे आपको ये चीजें बहुत अच्छे से क्लियर नहीं होंगी आपकी बुक पे, आप इसको गूगल पे सर्च करें तो आपको ये बहुत अच्छे से गूगल पे छोटी छोटी डेफिनेशन आपको मिल जाएंगी, और आपका ये पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे डेनियल ऑफ द सर्विस डीओएस अटैक्स, आपने इसको पीपीटी स्लाइड पे ले चलता हूँ, यहाँ पे देखिएगा कि अटैक्स की बात कर रहा है, कि कंप्यूटर पे जो अटैक्स होते हैं वो मैलिशियस सॉफ्टवेयर जो है उसकी बात कर रहा है। उसके बाद हमारे पास अटैक्स के बाद ये उसकी कुछ टाइप्स हैं, ये पूछ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे। उसके बाद हमारे पास वायरस है, वायरस की बात की है, वायरस इज द सॉफ्टवेयर इन्फेक्ट द कंप्यूटर बाय इंसर्टिंग इटसेल्फ, ये बात आपको पता होनी चाहिए, बाय इंसर्टिंग इटसेल्फ इनटू प्रोग्राम दैट ऑलरेडी रिजाइड्स, जो ऑलरेडी मशीन के अंदर वर्किंग हो रही है उसके थ्रू जो है ये इंटर हो जाता है, आप खुद को इंटर करता है। ठीक है, व्हेन होस्टेड एग्जीक्यूट, ये भी एग्जीक्यूट हो जाता है। और उसके बाद ये क्या करता है, डिग्रेडिंग द पोर्शन ऑफ द ओएस, और अरेज कर देता है लार्ज ब्लॉक्स ऑफ द मास स्टोरेज सिस्टम, ये डाटा को जो है वो खत्म कर देते हैं। जैसे कि आपने कभी ना कभी एंटीवायरस इंस्टॉल किया हो, तो वो इसी सॉफ्टवेयर के लिए, वायरस के लिए हम इंस्टॉल करते हैं, ये मोस्टली हमारा डाटा जो है उसको इनक्रप्ट कर देता है, और ये टोटल डाटा हमारा, हम मतलब अक्सर हमारे पास कंप्यूटर के अंदर पिक्चर्स वगैरह पड़ी होती हैं, जब ये वायरस आता है पिक्चर्स डिलीट कर देता है, अजीब से फोल्डर बना देता है, ये सारा सिस्टम तबाह करके रख देता है, सबसे खतरनाक चीज होती है। ठीक है, उसके बाद वॉर्म्स है, यहाँ पे ये प्रोग्राम है, ये ट्रांसफर करता है इटसेल्फ थ्रू द नेटवर्क, ये नेटवर्क के थ्रू खुद को वो कहता है कि ये भी ट्रांसफर करता है, टेकिंग अप द रेजिडेंस इन कंप्यूटर एंड फॉरवर्डिंग कॉपीज, यानी कि ये कंप्यूटर के अंदर हमेशा मतलब बैठा भी रहता है
और ये अपनी कॉपीज बना के आगे भी जो है इफेक्ट करता रहता है, ठीक है। ये एक वॉर्म्स की थ्रोट में ये वर्क करता है, ठीक है, ये भी पता होना चाहिए। उसके बाद टॉर्जन हाउस, ये हमारी एक ऐसी वायरस की जो है वायरस, इसको बेसिकली ये सब ही वायरस हैं लेकिन इनको अलग अलग से नाम से ही आपने मेंशन करना है। तो ये एक हमारे पास ना एक ऐसा इफेक्टिव मतलब सॉफ्टवेयर होता है जो कि कोड, एक कोड ही होता है, सॉफ्टवेयर होता है जो कि बेसिकली हमारे कंप्यूटर के सिस्टम के अंदर जब ये इंटर होता है तो ये ज्यादा तौर पे ना डैमेज करता है हमारे जो जनरल स्टील इन्फ्लेक्ट होते हैं, जैसे कि गेम्स वगैरह को इफेक्ट कर देता है, और हमारे सिस्टम के अंदर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो रनिंग में होते हैं उनको ये तबाह करके रख देता है, ठीक है। और बेसिकली यहाँ पे ये सिस्टम डिस्गाइज्ड डिजायर प्रोग्राम सच एज गेम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इसको जो है ये इफेक्ट करता है। उसके बाद स्टार्ट इमीडिएटली ये स्टार्ट हो जाता है, और सम टाइम ये वेट भी कर लेता है, और जैसे जैसे इसको मौका मिलता है ये तबाह करके रख देता है। और ये बेसिकली जब हम यूज करते हैं ईमेल वगैरह तो ये उसके साथ अटैच होकर ये नॉर्मली ये अटैक करता है, ठीक है। ये वाला लास्ट पॉइंट आपने याद रखना। उसके बाद हमारे पास स्पाई वेयर्स हैं, बेहतरीन प्रोसेस जो मैंने आपको बताई, ये सारे जो है ना इतने इतने आपने इनका नेम लिख के गूगल पे सर्च करें और अपने रजिस्टर पे एक खूबसूरत हल्की सी डेफिनेशन लिखें, आपका कंसेप्ट ज्यादा क्लियर हो जाएगा, बजाय इसकी ये वीयू की एक बोरिंग सी बुक की तरफ आप लगे रहे हैं, बहुत आपको प्रॉब्लम रहेगी, ठीक है। स्निफिंग सॉफ्टवेयर या इसको आप स्पाईवेयर्स भी कह देते हैं, कलेक्शन इंफॉर्मेशन अबाउट एक्टिविटीज एट द कंप्यूटर। अब ये क्या, इस किस्म का सॉफ्टवेयर है जैसे कि आपकी, आप कंप्यूटर के अंदर क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, आपकी तमाम खबर जो है आपके जो हरीफ को ये देता है, यानी कि इस तरह का सॉफ्टवेयर है जो कि पूरी इंफॉर्मेशन की जो रिपोर्ट है वो बैक जो जिस बंदे ने इसको बनाया है उसको पूरी इसने खबर देनी होती है। जैसे कि ये एक आप जासूस किस्म का स्पाईवेयर्स आप कह सकते हैं, वो मोस्टली आर्मी के जो है मिलिट्री वर्किंग के अंदर ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। ये कंपनीज जो इसको यूज करती है टू मेक कस्टमर की प्रोफाइल को चुराने के लिए, इस तरह के मामलों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, सर्चिंग पासवर्ड क्रेडिट कार्ड नंबर ये सारी चीजें चोरी करने के लिए, बेसिकली ये सारी इंफॉर्मेशन पीछे अपने मालिक को भेजता है, ठीक है। इसको अनलाइक स्पाईवेयर्स आस्किंग इसको, यानी कि छोड़ो इसको, यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको ये कौन सा है। ये किस तरह का, सम टाइम आपने व्हाट्सएप के ग्रुप्स के अंदर कहीं ना कहीं देखा होगा ये लिंक आ गया वेबसाइट का, इस पे क्लिक कर लें, ये फलां ऐड आ गया इस पे क्लिक कर लें, मतलब फेक वेबसाइट लिंक, स्पिनिंग फिशिंग, मतलब बहुत ज्यादा सीओ फ्रॉड जैसे हैं मेलवेयर की सूरत में ये आपको किए जाते हैं, ये आपके प्रोसेस को हाईजैक कर देते हैं। तो ये बेसिकली ज्यादा तौर पे ये हमारे पास स्पाईवेयर्स की तरह नहीं होता, अनलाइक स्पाईवेयर्स होता है ये, मतलब सेम आपको कंट्रोल एक्सेस करवाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसको भी आप गूगल करें ज्यादा अच्छे से आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे ये इस्तेमाल होता है। यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं। नॉर्मली यूजिंग एन ईमेल, ये मोस्टली ईमेल को यूज करता है, फ्रॉम सो कॉल्ड गवर्नमेंट लॉ यानी कि एजेंसीज के इंस्टीट्यूट के अंदर जितने भी जो हम वर्किंग अदारे होते हैं उनके ईमेल्स को ये इस्तेमाल करता है। यानी कि आपने अक्सर देखा कि गवर्नमेंट ने एक लैपटॉप की स्कीम निकाली है तो बच्चे भाग के क्लिक करते हैं कि यानी कि गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली है, हत्ता कि वो निकाली किसी जासूस नहीं होती है। तो इस तरह के जो है ना ये इन अदारों को साथ में गंदा करके ये वर्क करता है, तो इसको फिशिंग अटैक्स कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है इसको देख लीजिएगा, डॉस का अटैक्स होता है, डेनियल ऑफ सर्विसेज प्रोसेस द ओवरलोडिंग, यानी कि कंप्यूटर हमारा ओवरलोड हो जाता है, वर्किंग हैंग होना शुरू कर देता है, उसके अंदर जितने भी अटैकर हैं यूजली वो प्लांट्स करते हैं हमारे पास सॉफ्टवेयर को, मतलब के बोटेंट करने की कोशिश करते हैं, जो हमारे पास मैसेज जनरेट करते हैं, साइन इन गिविंग वो एटसेट्रा, यानी कि हमारा कंप्यूटर जो है वो जब चल रहा होता है वो लोडिंग लेता है, ये स्लो डाउन हो जाता है। उसके बाद ये हमें खुद खुद यानी कि जैसे कंप्यूटर हमें यूजर खुद कह रहा है कि ये काम कर लें, तो ये बेसिकली ये एक अजीब तरह का ये जो अटैक होता है तो उसका हमारे विंडो के ऊपर नुकसान पहुंचाता है। ये यूजली इस तरह आप कह सकते हैं कि अनसस्पेक्ट कंप्यूटर जो है वो हमें कहता है कि ये इस तरह से करें, हम उस पर क्लिक करते हैं, हमें एक जनरेट करके देते हैं, हमें एक प्रोसेस, हम उस पर क्लिक करते हैं और फिर उसके बाद वो कहता है कि नेक्स्ट अपना ये नंबर इंटर करें, तो हमें लग रहा होता है कि ये एक ऑथराइज्ड पर्सन है, लेकिन वो बेसिकली हम जो है हमारे डॉस पे अटैक किया होता है और हमारा हैकर हमारे जो विंडो है ऑपरेटिंग सिस्टम उसके ऊपर वो वर्क कर रहा होता है, इसको डॉस अटैक कहते हैं। डेनियल ऑफ द सर्विसेज, हमारी सर्विसेज प्रोवाइड करके हमें लूट लिया जाता है। उसके बाद हमें स्पैम्स, ये अनवांटेड जंक्स होते हैं ईमेल्स, मीडियम ऑफ द फिशिंग भी मतलब टॉर्जन हाउस, यानी कि स्पैम्स हमारे कंप्यूटर के अंदर ना समटाइम आपके मोबाइल के अंदर बहुत ज्यादा डाटा हो जाता है,
और बेसिकली एक नुकसानदेह चीज नहीं है, लेकिन एक लोड डाल देता है कंप्यूटर के अंदर। स्पैम्स जो है फोल्डर हो जाते हैं, छोटे छोटे फोल्डर्स आप इनको कह सकते हैं, छोटे छोटे फोल्डर बहुत ज्यादा बन जाते हैं, जिनकी वजह से हमारा कंप्यूटर बहुत स्लो डाउन वर्किंग करता है। जंक्स फाइल हो जाते हैं, ईमेल बहुत ज्यादा इस तरह के, मीडियम फिशिंग हमारे पास यहाँ पे इंटर हो जाते हैं, जिसको हम स्पैम्स का नाम देते हैं। ये बेसिकली एक अटैक ही समझ लें, कंप्यूटर को स्लो कर देता है, लेकिन ये एक्चुअल में अटैक नहीं है, ये कंप्यूटर की सुस्त कर देने की कुछ फोल्डर हैं, इसको स्पैम कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास इसकी समरी है, इसको देखिए, वायरस टॉर्जन, सैटिस्फाइड फिशिंग और डॉस और स्पैम। ठीक है, और नेक्स्ट आपका जो मॉड्यूल है, ये सारी चीजें आपने अच्छे से यहाँ पे रीड कर लेनी है, आपके पास आपकी जो बुक है। और यहाँ पे हमारे पास प्रोटेक्शन एंड जो हमें ये जितनी भी चीजें हैं उनसे हमने प्रोटेक्शन कैसे करनी है, ये वाली चीज आप खुद देख लें, और ये बहुत ही इजी है प्रोसेस। और इसको भी इंशाल्लाह आप जो आपकी मौजूदा स्टडी है नेक्स्ट ईयर जो है 2021 के बाद, इसको सम टाइम कवर करेंगे। बेसिकली ये चीजें आपको करने की जरूरत नहीं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जितनी वायरस से प्रोटेक्शन कैसे करनी है उसके मतलब लिखा होगा हल्का सा, इसको आप खुद रीड कर लें, ये इतना इंपॉर्टेंट जो है 82 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, इजाजत दें, अल्लाह हाफिज, अल्लाह के बाद।